दलान ग्रुप ने 3 दिन का मुहूर्त एडवांस बुकिंग का आयोजन किया था हमारी नई जगह पे रोहनिया में वाराणसी में। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम देश भर से सारे व्यापारी आए और देश भर से हमारे सारे कस्टमर भी आए। मेन इस इवेंट का मकसद यही था कि सब एक बार मिले और सबके मन में जो अभी तक डर था कि कोरोना काल के बाद व्यापार फिर से चलेगा नहीं चलेगा किस तरह रहेगा मालूम नहीं, पर 3 दिन का जो हमने देखा हमें रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा कि सब व्यापारी और सब कस्टमर लोग काफ़ी मतलब एक्साइटेड और काफ़ी एनर्जी के साथ उन लोग ने खरीदारी की। जैसे कि सूरत साड़ी में हमें सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग मिली। कोरोना काल होने के बावजूद भी हमने पिछले साल से दुगनी बुकिंग ली है। इस साल बुकिंग में भी ज़्यादा मिला है और मेन कारण एक ये भी है कि सूरत साड़ी में जिस तरह का क्रिएशन जो हमारे सप्लायरों ने दिया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण था ये सेल को ग्रोथ देने का। और आगे भी जो मुझे दिख रहा है कि व्यापार बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ेगा और हमारा हर एक कस्टमर को भी तेज़ी और मतलब एक्साइटमेंट से आगे व्यापार के उसके लिए तैयार है, खूब जोश है सब में। सूरत के व्यापारियों के लिए यही कहूँगा कि सबसे सस्ता कपड़ा और सबसे ज़्यादा क्रिएशन जो दे पा रहे हैं वो है सूरत के व्यापारी और इस वजह से उनका काफ़ी अच्छा सेल ग्रोथ भी रहा है। आगे व्यापार मेरे हिसाब से जो हमें जो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा जाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब का हमने क्राउड देखा जिस हिसाब की खरीदी देखी जिस हिसाब का क्रिएशन देखने मिला कि कोरोना था फिर भी हर एक शहर में हर एक जहां से भी पूरे देश भर से जहां से भी हमारे सप्लायर आए सब अपने अपने क्रिएटिविटी लाए हैं। कहीं ना कहीं सब ने कुछ ना कुछ नया क्रिएशन किया है और कस्टमरों में भी कहीं कोई कमी नहीं थी, किसी में कहीं कोई एनर्जी की कमी नहीं थी, कहीं किसी में कोई घबराहट नहीं दिखी कि माल कम लिया जाए कि आगे बिजनेस कमज़ोर रहेगा। सब ने पूरी ताकत से परचेजिंग की है ये सोच के कि आगे व्यापार अच्छा रहेगा, तो इस उम्मीद में हम भी हैं और जो स्थिति दिख रही है कि व्यापार आगे खूब तेज़ी से बढ़ना चाहिए।